ये उमेश्री देवी हैं, संपादक द्रवण भारत न्यूज़पेपर की। ये देखिए साथियों, ये मेथी है और ये मेथी के बीज हैं जिनको हमने रात में भिगोया था और सुबह इसकी बुआई की जाएगी। ये मेथी के बीज हैं और ये मेथी के बीज और ये क्यारी बन गई है। ये क्यारी देखिए बन चुकी है और ये क्यारी में बाकायदा इसको जो है बना दिया गया है, ये देख रहे हैं। और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है और ये बाकायदा बना दी गई है और इसमें जो है अब बुआई की जाएगी। तो बुआई करने के लिए अब इसमें से ये मेथी है और मेथी में ये मिट्टी मिलाई जाएगी, क्योंकि ये मेथी गीली है तो ये मिट्टी मिलाने से, इसमें मिट्टी मिला देंगे तो ये बोने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अलग अलग हो जाएगी। तो अलग अलग रहेगी तो इसको बुआई करने में सरलता रहेगी। इसको आराम से इन बीजों को ऐसे मिलाते हैं, और मिलाने के बाद ये बीज जो है मिट्टी में शामिल हो जाएंगे और इनमें मिट्टी शामिल हो जाएगी और इसकी कोटिंग हो जाएगी। इसके बाद इनको ज़मीन में बोया जाएगा जो क्यारी बनाई गई है। साथियों ये देखिए, थोड़ा और मिट्टी मिलाएंगे हल्का सा। ये ज़मीन की सोयल है, इसमें कोई कुछ मिलाया नहीं गया, सीधे ज़मीन से खोद करके इसको जो है बना दिया गया है। अब ये देखिए मिल गया है। अब इसके मिलने के बाद इसको इसमें जो है बोया जाएगा। इसमें थोड़ी देर धूप भी दिखाई गई है, धूप दिखाने से इसका जो फंगल का बैक्टीरिया होता है वो मर जाता, फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके की हो गई है। अब इसमें जो है बुआई करेंगे और ये देखिए क्यारी है, ये क्यारी में अब इसकी बुआई होने जा रही है। बुआई होने जा रही है, अब इसको बो रहे हैं देखिए, और इसको एक एक करके ये नालियों में इसको बोया जाएगा। बीज को बीज जो है धीमे धीमे करके इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से बो दिए जाएंगे। ये देखिए
साथियों को बो दिया गया है। अब ये जो है इसमें हल्का सा पानी की सिंचाई कर देंगे। पानी की सिंचाई करने के बाद सिंचाई करने के बाद ये क्यारी तैयार हो गई। अब इसमें जो है ये बीज उग जाएंगे।